नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर टू की तैयारी कर रहे हैं हम, और हम कर रहे हैं यूनिट 5 यानी कि करिकुलम स्टडीज़। राइट, चलिए उसमें हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं, लेट्स सेलेक्ट द पेन फर्स्ट ताकि इजी हो जाए हमारे लिए पढ़ना। चलिए सेलेक्टेड। सो हम लोग करिकुलम डिज़ाइन पढ़ रहे हैं, जिसमें जो आज का टॉपिक है वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल। जो लास्ट वन था वो था डिसिप्लिन यानी कि एकेडमिक यानी कि सब्जेक्ट बेस्ड मॉडल, जिसमें सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती थी कि करिकुलम जो है वो कंप्लीट होना चाहिए एंड बेसिक टू द सब्जेक्ट। यहाँ पर हम जो इम्पोर्टेंस देते हैं वो देते हैं कॉम्पिटेंसी को। राइट, सो ये अकॉर्डिंग टू अपडेटेड सिलेबस चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल डिफाइन करता है उस अप्रोच को जो कि स्टूडेंट्स को अलाउ करती है टू एडवांस बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू मास्टर अ स्किल। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है मास्टर होना, किसमें, स्किल में। मास्टर अ स्किल, कोई भी स्किल हो उसमें आप कॉम्पिटेंट कितने हैं वो डिपेंड करता है। कॉम्पिटेंसी एट देयर ओन पेस, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अपने पेस पे जो है, रिगार्डलेस ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का कोई रोल नहीं है। आप अपने पेस पे अपनी कैपेबिलिटी अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंगली आप क्या करते हैं, मास्टरी अ स्किल। दिस मेथड इज टेलर्ड टू मेट द डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज। हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्निंग को यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रैप करते हैं। इट कैन लीड टू मोर एफिशियंट स्टूडेंट आउटकम, और इससे क्या होता है, एक अच्छा स्टूडेंट निकल के आता है। देखिए, सबसे पहले जो हमें कॉम्पिटेंसी में ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, मास्टरी ओवर द स्किल। हम एक मास्टरी करते हैं, देखिए जैसे अगर हम स्विमिंग सीख रहे हैं तो हम उसमें पूरी तरीके से मास्टरी यानी कि पूरी तरीके से हम उसमें कॉम्पिटेंट होंगे। दूसरा, हम उसको अपने ओन पेस, हम उसको किस तरीके से लर्न करेंगे, अपने तरीके से अपने पेस पे, उसका कोई सेट ऑफ करिकुलम नहीं, बट वी वांट मास्टरी ओवर द स्किल। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इज़ अ फ्रेमवर्क, एक तरीके का फ्रेमवर्क देगा आपको फॉर टीचिंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब हर एक मेथड का अपना एक असेसमेंट भी होता है कि आप उस जो आपने उस मेथड से लर्न किया है उसका असेसमेंट कैसे किया जाएगा। सॉरी, इट इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ टाइप ऑफ एजुकेशन based on predetermined competences which focuses on the outcome and real world performance। और यहाँ पे किस तरीके से आपकी असेसमेंट होगी, असेसमेंट कैसे होगी कि आपका आउटकम कैसा है और आपने अपने रियल वर्ल्ड में किस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, ये सब हम आगे करेंगे। इस जस्ट जर्नल आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है कि कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है मास्टरी ओवर द स्किल। अपने पेस पे हम चीज़ों को लर्न करते हैं और इसमें असेसमेंट का तरीका भी अलग होता है। सो ये विकिपीडिया के अकॉर्डिंग डेफिनेशन थी जो यहाँ पे दी गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वाई CBC, CBC शॉर्ट फॉर्म है कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम, यानी कि डू इट योर सेल्फ नॉट अ पेरेंसिया। अपने आप चीज़ों को सीखते हैं, अपने तरीके से सीखते हैं। नॉट सूटेड टू ऑल लर्निंग प्रोसेसेस और डिसिप्लिन, हर एक सब्जेक्ट के लिए जो है ये पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप मैथ्स को लेते हैं, आप उसमें कॉम्पिटेंट नहीं हो पाते हैं, मास्टरी करते करते आप, क्योंकि मैथ्स का कोई एंड नहीं है तो उसमें मास्टर हासिल होना थोड़ा सा मुश्किल है। बट आप अगर एक एक्टिविटी को लेते हैं, लाइक स्विमिंग है, एक योगा है, आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए, आप उसमें स्किल्ड हो जाएंगे, आप उसमें कॉम्पिटेंट हो जाएंगे। स्विमिंग है, स्विमिंग के जितने भी आप एक्टिविटीज़ हैं सब चीज़ें आप सीखते रहेंगे तो आप उसमें कॉम्पिटेंट हो जाएंगे। बट एक सब्जेक्ट में, एक आप साइंस कहेंगे, साइंस का कोई अंत नहीं है तो उसमें कॉम्पिटेंट होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप उसको स्किल को निखारते रहिए। चलिए, सिवाय CBC, ठीक है, फिट्स बेस्ट विद द लर्निंग परफॉर्मेंसेस। वेट, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं ताकि आपको और इजी हो जाए। चलिए, फिट्स बेस्ट विद द लर्निंग परफॉर्मेंस एंड नॉट टाइम स्पेंट स्टडी, यानी कि इसमें कोई क्रेडिट आवर्स जो है क्या होता है, इसमें फिट्स बेस्ट विद द लर्निंग परफॉर्मेंस, कि आपका जो है लर्निंग की परफॉर्मेंस पे किस तरीके से, यानी कि आप जितने सीखेंगे उस चीज़ को उतने ही बेस्ट होते जाएंगे।
ठीक है, नॉट टाइम स्पेंड स्टडी। ऐसा नहीं है कि आपको स्टडी की तरह पढ़ना है आपको, ठीक है, उसको आप जितना कि आपका बेस्ट टाइम उसमें स्पेंड हो सकता है। देखिए जैसे स्विमिंग, मैं एक एग्जांपल हमेशा स्विमिंग का लेती हूँ, जैसे स्विमिंग में क्या होता है, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है, ठीक है, आप उसमें बेस्ट होते जाइए, आप उसको लर्न करते जाइए, उसमें परफॉर्मेंसेस देते जाइए, आप वो बेस्ट हो जाएंगे। आप टारगेटेड टू लर्निंग ओनली वॉट यू नीड एंड वेन यू नीड इट, जब आपको उसकी ज़रूरत होती है, जब आप उसको सीखते हैं तो वो टारगेटेड टू लर्निंग होता है, कि जब उसमें क्या आप सीखना चाहते हैं और कब सीखना चाहते हैं, ऑल डिपेंड्स ऑन यू, है ना, क्योंकि इसमें कोई सेट ऑफ करिकुलम नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया था, आपको इसका मेन जो फोकस होता है वो होता है कॉम्पिटेंट बनना, ठीक है। तो आप जिस तरीके से कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस देखिए, अगर कोई डांस फॉर्म सीखता है, मैं इसमें एक डांस का एग्जांपल भी ले सकती हूँ, ठीक है, अगर आप कोई सालसा डांस है, ठीक है, सालसा में क्या होता है, उसका एक सेट ऑफ तरीका बेसिक आपने सीख लिया, जितना आप उसमें परफॉर्मेंस करते रहेंगे आप उसमें बेस्ट होते जाएंगे, यही होता है ना, उसमें आप कॉम्पिटेंट होते जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यही कहता है कि आप उसको परफॉर्म करते रहिए, उसमें स्टडी की तरह टाइम नहीं, आप उसको परफॉर्म करिए और उसमें आप बेस्ट हो जाएंगे। सेकेंड ये कहता है आप उसको अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंगली आप परफॉर्म कर सकते हैं। लर्निंग इज़ इंडिविजुअली प्लान्ड, आप इंडिविजुअली उसको प्लान करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप जिस तरीके से सीखना चाहते हैं, सुबह शाम महीने के 6 दिन, महीने के 12 दिन, आप अपने अकॉर्डिंगली सब कुछ सेट करते हैं, आप उसको जिस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पर्सनलाइज वे में, पर्सनलाइज फ्रेमवर्क होता है जो कि फ्लेक्सिबल भी होता है, तो ऐसा कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता इसमें। बस मेन जो फोकस होता है दैट इज़ ऑन कॉम्पिटेंट, कि आपको किसी स्किल में कॉम्पिटेंट होना है। इट एड्रेसेस द की गोल्स ऑफ द CBC स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, इसमें होता है मेन फोकस किस पे होता है, सिर्फ की गोल पे, कि आपका जो गोल है वो क्या है। मोटिवेशन फ्रॉम इंस्टेंट मैरिट्स, मतलब आपको मोटिवेशन जो है वो कॉन्स्टेंटली मिलता रहता है, जैसे आपने वन परफॉर्म किया, इसमें आपको बेसिक क्या होता है, आपको मोटिवेट रहना होता है। रिकग्नाइजेज रिवॉर्ड्स, आपको क्या करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको मास्टर करने में हेल्प करते हैं। इट प्रोवाइड्स क्लियर पाथ टू प्रोग्रेस एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर अ लर्नर एंड अ स्पॉन्सर, तो इसमें क्या होता है, आपको क्लियर पाथ नज़र आता है कि आपको मेन ये कॉम्पिटिशन जीतना है, मेन आपको ये, तो उसमें क्लियर पाथ होता है। ग्रेट फॉर मेच्योर सेल्फ बेस्ड लर्नर, जो अपने तरीके से स्टडी को पढ़ना चाहते हैं, अपने तरीके पे अपनी ओन टर्म्स में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट वे होता है। हु कैन लर्न इंडिपेंडेंटली ऑफ अ टीचर्स, जो कि एक इंडिपेंडेंटली लर्न करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया बातें हैं यहाँ पे। आई होप आपको जो है कॉम्पिटेंट बेस्ड करिकुलम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं इसके, किस तरीके से हम कॉम्पिटेंट जो है बेस्ड करिकुलम को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें वो एरिया को, वो उस जर्नल एरिया को आइडेंटिफाई करना होता है, समझना पड़ता है कि कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें हम मास्टरी करना चाहते हैं। जैसे एक पर्सन है वो बहुत ही योगा ओरिएंटेड है, मतलब उसको योगा करना पसंद है, बट अगर आप उसे डांस में भेज देंगे, डांस फॉर्म में भेज देंगे, तो उसका जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं लग पाएगा। सो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई हमारा इंटरेस्ट एरिया कौन सा है, ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें हम अपनी पूरी मेहनत दिन रात एक कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट पार्ट, जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है, वो ये होता है आइडेंटिफाई द जनरल कॉम्पिटेंसी एरिया। उसके बाद हम सेकेंडली डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी आप क्या लेना चाहते हैं। अगर मैंने कोई डांस फॉर्म चूज़ किया है, मुझे डांस में कॉम्पिटेंट बनना है, तो ऐसा कौन सा फॉर्म है, क्योंकि इसमें कथक भी है ना, भरतनाट्यम भी है, सालसा है, बेली डांस है, तो कितने फॉर्म्स हैं, तो आप हर किसी में कॉम्पिटेंट नहीं बन सकते हैं। सो यू हैव टू चूज वन स्पेसिफिक एरिया, राइट। उसके बाद करिए इस्टेब्लिश द क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस फॉर ईच कॉम्पिटेंसी। अब उसके अंदर जब मैंने यहाँ पे कथक फॉर्म को डिफाइन किया है, मैं कथक सीखना चाहती हूँ, तो उस कथक के अंदर मैं ऐसी क्या परफॉर्मेंस है, कोई कॉम्पिटिशन जीतना चाहती हूँ या कोई डिग्री हासिल करना चाहती हूँ, तो वो स्पेसिफिक करना पड़ेगा। सो जब तक आप स्पेसिफिक नहीं डिसाइड करेंगे, तब तक आप
जब ये एक तरीके का सॉर्ट ऑफ करिकुलम है, यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट ना कि आपको एक्चुअल में करना क्या है, देन उसके बाद आप उसका एक आउटलाइन यानी कि उसका एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे कि आप इस इंस्टीट्यूशन में जाएंगे या इस टीचर कोई पर्टिकुलर टीचर के साथ पढ़ना चाहते हैं, पर्टिकुलर टीचर से सीखना चाहते हैं। फिर उसके बाद प्रैक्टिस लर्निंग मेथड्स विद द लाइव लर्नर्स, है ना, फिर आप उनकी क्लासेस अटेंड करते हैं, लाइवली जाते हैं, उनसे सीखते हैं, उसके बाद परफॉर्मेंसेस देते हैं, उसमें कॉम्पिटेंट होने की कोशिश करते हैं, एंड देन लास्ट में इवेलुएट होता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, इवेलुएट रिफाइन, और उसको आप रिपीटेडली क्या करते हैं, मैंने इसमें बताया ना, इसमें जो चीज़ें हैं वो रिपीट होती रहती हैं, क्योंकि जब आपको कॉम्पिटेंट होना है तो यू हैव टू रिपीट योर परफॉर्मेंस, क्योंकि एक परफॉर्मेंस में आप कॉम्पिटेंट नहीं हो सकते। किसी भी स्किल को अगर आपको शार्पन करना है तो आपको जो है परफॉर्मेंसेस देते रहना होगा, ठीक है। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के। सबसे पहला होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉड स्किल सेट, यानी कि आपको बहुत सारी स्किल्स में जो है डेवलपमेंट हासिल हो जाती है। एडवांसमेंट थ्रू कंटेंट अपॉन मास्टर, आपको इसमें जो भी कंटेंट है, जो भी जैसे आप बात कर रहे हैं यहाँ पे कथक डांस की, तो उसमें आप क्या हो जाते हैं, कथक में आपको मास्टरी हासिल हो जाती है। अब स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसमें जो स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है वो फॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट, जो भी इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट है आपको वो डिफरेंशिएट कर पाते हैं, यानी कि किस फॉर्म से, या आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या ऑफलाइन क्लासेस में जा रहे हैं, या आप जो स्टेज परफॉर्मेंसेज होते हैं उसके थ्रू आप पढ़ रहे हैं, आप सीख रहे हैं, तो क्या इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट है आपको, किस तरीके से आप उस ट्रांसफॉर्म को सीख रहे हैं वो अलग अलग तरीके से आप समझ पाते हैं। एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट का इफेक्टिव यूज़ मतलब आपने परफॉर्म किया कथक एक स्टेज पे, आपको अपनी कमियां पता चली, ठीक है, उसके बाद आपने फिर से उसे और उसको जो है साइट करते हुए, उसको उस पर जो है वर्क करते हुए आपने फिर से परफॉर्म किया, तो इससे क्या हुआ, आप जो भी असेसमेंट होता है फेल, इसमें फेल या वेन का कोई वो नहीं है, आप परफॉर्म करते हैं, आप उसमें शार्पन होना चाहते हैं, आप उसको परफॉर्म करते रहिए। चलिए अब इसमें असेसमेंट है, देखिए जब भी हमने लर्निंग करते हैं तो उसमें हमें असेसमेंट ज़रूरी है, क्योंकि एक तरीके का ये क्या है, करिकुलम है, ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे क्या है असेसमेंट, कि जब हम कॉम्पिटेंट हो जाते हैं तो उसको असेस कैसे करें, किस तरीके से असेसमेंट पॉसिबल है, तो इट्स अ गैदरिंग एंड जजिंग ऑफ एविडेंस इन ऑर्डर टू डिसाइड, एविडेंस का मतलब है परफॉर्मेंस, जब आप कोई परफॉर्म कर रही हैं तो उसको गैदरली देखिए कि और डिसाइड कीजिए कि पर्सन, व्हाट पर्सन हैज अचीव्ड स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंस, क्या उसे उस कॉम्पिटेंस जो वो डांस फॉर्म सीख रहा है क्या वो स्टैंडर्ड हासिल कर चुका है, तो वो असेसमेंट हो जाता है। कैसे हम कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट किसी क्राइटेरिया पे बेस्ड होता है, जैसे कथक का कोई महान डांसर है और आप उसके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका लेवल नीचे है, कितना लेवल आपका ऊपर है, तो किसी क्राइटेरिया को लेके आपने असेस किया। द क्राइटीरिया यूज्ड मे बी फ्रॉम अ सेट ऑफ कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड, किसी बेसिक स्टैंडर्ड, अगर देखिए अब मैं कहती हूँ कि अमिताभ बच्चन जी के साथ में अगर अपनी एक्टिंग स्किल्स को मेजर करना चाहती हूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, तो उस पॉसिबल उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जो भी कोई मूवी है उसमें भी तो उनकी परफॉर्मेंस है, उसके साथ आपकी परफॉर्मेंसेस जो है जज की जाती है कि हाँ क्या आप उनके लायक हैं, उनके बराबर पहुँच चुके हैं, अगर हाँ तो यानी कि आपकी एक्टिंग स्किल्स निखर चुकी है, और अगर नहीं तो यानी कि आपको और एडवांसमेंट की ज़रूरत है। सेकेंड जो पॉइंट है वो है एविडेंस बेस्ड, एविडेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आज परफॉर्म करके घर आई हूँ, मैंने कथक परफॉर्म किया, मैंने अपनी उस परफॉर्मेंस को देखा और उसके ऊपर जो है मैंने देखा कि मेरा ये स्टेप गलत है, मुझे इस जो है स्टेप को शार्पन करने की ज़रूरत है या इस स्केल पे मुझे और वर्क करने की ज़रूरत है, तो एविडेंस यानी कि मैंने अपनी खुद की परफॉर्मेंस का एविडेंस देखा। दिस मीन्स डिसीजंस अबाउट वेदर अ पर्सन इज कॉम्पिटेंट आर बेस्ड अपॉन एविडेंस डेमॉन्स्ट्रेटेड, जो उसने डेमॉन्स्ट्रेट किया है, प्रोड्यूस किया है गैदर किया है, प्रोवाइडेड बाय द पर्सन टू बी असेस्ड, ठीक है, जो पर्सन असेसमेंट की तरफ है, ठीक है, उस पर्सन की ये सब चीज़ें हम गैदर करते हैं और उसको देखते हैं। एंड द थर्ड वन इज असेसमेंट इज पार्टिसिपेटरी, यानी कि देखिए जब आप किसी कंपटीशन में जाते हैं तो आप ऐसे ही उठ के नहीं चले जाते हैं, आप उस कंपटीशन के लायक हैं तभी आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, तो अपना पार्टिसिपेटरी लेवल देख के कि आप
कितने कंपटीशन में जो है कैपेबल हैं, उनके कितने क्राइटेरिया जो होते हैं. देखिए, हर एक कॉम्पिटिशन का अपना एक क्राइटेरिया होता है, अपना सेट ऑफ पैटर्न होता है. तो आप उस पैटर्न पे कितना निखर रहे हैं, क्या वो सेट ऑफ पैटर्न्स आप में हैं, वो कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर हैं, आप कितने पार्टिसिपेंट जो है पार्टिसिपेटरी बन गए हैं. सो ऑल डिपेंड्स ऑन योर कॉम्पिटेंसी. तो तीन चीज़ें हैं असेसमेंट में. द फर्स्ट वन इज़ क्राइटीरियन बेस्ड, सेकेंड वन इज एविडेंस बेस्ड, एंड थर्ड वन इज पार्टिसिपेटरी. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन. ठीक है, जिसमें कोई सेट ऑफ करिकुलम नहीं है, आप अपने पेस पे स्टडीज़ को कंप्लीट करते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे. सो आई होप आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप कितना मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं या कितना मेरी वीडियोस को सुनते हैं. सो मैं फर्स्ट फिर से बता देती हूँ, ये जो भी कंटेंट है वो सब अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है. सो देखते रहिए, सुनते रहिए और शेयर करते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.